नमस्कार दोस्तों, वीडियो भंडारी यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। ये कबूल शाह कोबन की कंपनी है। ये आज इसके इम्प्लीमेंट्स की टेक्निकल डिटेल्स बात करते हैं, इनसे बात करते हैं। ये रमनदीप सिंह जी हैं। नमस्कार रमनदीप जी। नमस्कार सर, आप थोड़ा अपने जैसे इम्प्लीमेंट्स हैं जितने भी हैं, इनके बारे में आप जो है ये पूसा एग्रीकल्चर एग्जीबिशन के अंदर लगे हुए हैं, अपनी स्टॉल है, इसके सभी एग्रीकल्चर के इम्प्लीमेंट्स की टेक्निकल डिटेल्स के बताने की थोड़ी सी कृपा करें। हाँ जी, और जैसे कि हम स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से, ये अपना। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं जी। ये है जी हाइड्रोलिक डिस्क हैरो, ये 12x12 की हैरो है जी। ये स्टार्ट हो जाती है बेसिकली 9x9 से, बाकी डिपेंड करता है जी आपके पास कितने हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, उसके अकॉर्डिंग ही ये डिज़ाइन होगी। ये 12x12 की हैरो है जी, और इसमें जो ये ब्लेड डला हुआ है, ये ब्लेड है जी 26 इंच का है, और इस ब्लेड का वेट 14 किलो है जी। और आगे ये नॉस्ड ब्लेड डले हुए हैं जी, पीछे प्लेन ब्लेड डले हुए हैं, और इसमें जो नंबर ऑफ हब्स हैं जी वो 8 हैं, 4 आगे 4 पीछे। और ये टायर का साइज है जी 13-55-16 BKT के टायर हैं ये। दो इसमें सर हैवी ड्यूटी जैक लगे हुए हैं, और एंगल एडजस्ट करने के लिए इसमें टॉप लिंक लगी हुई है। आपको आप टॉप लिंक से ही इसका एंगल एडजस्टमेंट कर सकते हो, बढ़ानी है एंगल, बढ़ाना है घटाना, आप दोनों काम कर सकते हो। इसका जो अप्रॉक्सीमेट वेट है वो 2000 किलो है जी, और इसकी जो प्राइसिंग है वो 2.5 लाख है, और अपना जो इसका एक्सल का साइज भी काफ़ी बड़ा स्क्वेयर एक्सल लगा हुआ है जी, 3.5 इंच का एक्सल लगा हुआ है इसमें, और हैवी ड्यूटी ट्यूब लगी हुई है इसमें सारी, और प्रॉपर हाइड्रोलिक फिटिंग दी हुई है इसमें। और ये हैं जी कल्टीवेटर हैं, ये 11 टाइम्स कल्टीवेटर हैं। कल्टीवेटर्स की रेंज स्टार्ट हो जाती है जी 9 से लेके 21 तक 23 तक, वो डिपेंड करता है आपके पास कौन सा ट्रैक्टर है, किस ट्रैक्टर के लिए आपको चाहिए। ये बेसिकली जो हमारा डिज़ाइन है जी, ये पीछे से स्ट्रेट टाइन होती है जी, राउंड टाइन नहीं होती, क्योंकि इसकी इसमें डेप्थ आप ज़्यादा ले सकते हो, लोड कम रहेगा ट्रैक्टर का, और बोरॉन स्टील का इसमें फाला लगा हुआ है जी, बोरॉन स्टील का फाला लगा हुआ है। इसमें डिज़ाइन स्क्वेयर ट्यूब का भी डिज़ाइन आता है जी, चौरस ट्यूब का डिज़ाइन भी आता है, एंगल का डिज़ाइन भी आता है। इसमें एक ऑप्शन है, अगर आपका जो हल है कहीं जड़ में अड़ जाता है तो इसमें एक बोल्ट दिया हुआ है, वो बोल्ट टूट जाएगा, आपके हल को कोई नुकसान नहीं होगा, आप बस बोल्ट चेंज कीजिए और अपना दोबारा काम शुरू कर लीजिए। ये है जी तोता हल, जिसे चीजल प्लाव भी बोल देते हैं जी, और ये 7 टाइन का है, ये 5 टाइन से शुरू हो जाता है जी, इंडिया में लगभग 11 टाइन तक चल जाता है जी, क्योंकि 90 हॉर्स पावर ट्रैक्टर भी रिसेंटली काफ़ी आ गए हैं, और इसकी डूंगाई जी कम से कम 10 से 11 इंच रहती है। ये काम बेसिकली इसका यही है जी, आप हार्ड पैन है जो ज़मीन सख्त हो चुकी है उसे आप तोड़ सकते हो, इससे बिना ऊपर वाली ज़मीन हिलाए आप इसे तोड़ सकते हो। इसमें काफ़ी जो जगह है ये क्लियरेंस काफ़ी है, इसमें कोई मिट्टी अपना जो भी घास फूस है, कोई कचरा है, वो नहीं फंसेगा, वो आराम से बाहर निकल जाएगा। अगर क्या कहते हैं, इससे ट्रैक्टर पे लोड नहीं आता जी, काम बढ़िया होता है। ये है जी हाइड्रोलिक रिवर्सिबल डिस्क प्लाउ, ये आइटम काफ़ी नहीं है मार्केट में, और ये जो ज़्यादा इम्प्लीमेंट है ये साउथ इंडिया में यूज़ होता है जी, यहाँ पुणे महाराष्ट्र में इस साइड भी यूज़ होता है। ये काम तो मिट्टी पलटाने का ही करता है जी अपना, बट ये इसका ऐसा है, आपको थोड़ा बहुत मॉइस्चर चाहिए ज़मीन में, और इसका जो तवा है वो 28 इंच का लगा हुआ है, ये बोरॉन स्टील का ब्लेड लगा हुआ है ये 28 इंच का। ये प्लाउओं से कम लोड लेता है जी, पर ज़्यादा काम इसका जी जैसे गन्ने के जो खेत हो गए जी, शुगर केन बेल्ट है जो, वहाँ पे भी काफ़ी इसका यूज़ होता है। ये 2 वाला 3 वाला 4 वाला डिपेंड करता है जी आपको कितना हॉर्स पावर का ट्रैक्टर आप यूज़ कर रहे हो। ये फिक्स डिस्क प्लाउ है जी, इसकी वर्किंग सेम है जी, बस ये घूमता नहीं है, ये फिक्स रहता है। ये ज़्यादा यूज़ वहीं पे उसी बेल्ट में होता है जी, जिस बेल्ट में मैंने आपको पहले बताया, जैसे कि साउथ इंडिया में और पुणे में।
ये इसमें भी 28 इंच का ब्लेड डला हुआ है जी। ये सब सोलर है, ये काफ़ी हैवी ड्यूटी सब सोलर है। मार्केट में भी इससे भी छोटे सब सोलर आते हैं, बट ये काफ़ी हैवी ड्यूटी है। इसको कम से कम 65 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर चाहिए। अगर आपको ज़मीन तोड़नी है जी 2 फुट 2.5 फुट तो इसका यूज़ होगा जी। ये कम से कम जगह 1 टाइन 3 फुट जगह लेके जाती है जी। 2 टाइनें जैसे 6 फुट जगह लेके जाएंगे। ये सिंगल टाइन में भी आता है, डबल टाइन में भी आता है, ट्रिपल टाइन में भी आता है। और इसका जो प्राइस है वो 55,000 है, और ये फिक्स डिस्क प्लाउ का प्राइस है ये 60,000 है, और जो ये हाइड्रोलिक रिवर्सिबल डिस्क प्लाउ है इसका 90,000 है। तो ये MB प्लो है जी, ये ट्रेडिशनल MB प्लो है जो पहले यूज़ होते थे, अब भी काफ़ी यूज़ होते हैं ये। ये 3 बॉटम में भी आता है जी, 4 बॉटम में भी आता है, 5 बॉटम में भी आता है। ये बेसिकली इसका यूज़ है जी, आप सॉइल मिट्टी को टर्न करना चाहते हो, थोड़े बहुत कचरे को नपाना चाहते हो, तो उसके लिए है जी। इसकी कीमत जी 26,000 से शुरू हो जाती है, 26,000 से लेके 40,000-45,000 तक इसकी कीमत जाती है। वो आप जितना वेट दोगे, जितना हैवी आप ट्रैक्टर की हॉर्स पावर के हिसाब से बनाना चाहते हो, उस हिसाब से आप बनवा सकते हो। इस चीजल प्लाव की कीमत 35,500 है, ये 60 टाइन का है। बाकी 5 का भी बनता है जी, 7 का भी बनता है, 9 का भी, 11 का भी। कर दो बंद, कर दो ये, यहाँ से वीडियो बंद हो जाएगी। आपने रेट वगैरह बता दी सर? थैंक यू जी, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। किसान भाइयों के लिए बहुत हेल्प होगी इसके लिए। ये अपना कंपनी है, अगर आपको इसका कॉन्टैक्ट नंबर, कोई कॉन्टैक्ट नंबर है अपना, अगर इम्प्लीमेंट से रिगार्डिंग आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन जरूर रिक्वायरमेंट है तो आप इस कंपनी इस इन नंबरों पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो डायरेक्ट कंपनी से। और थैंक यू दोस्तों, जैसी वीडियो लगी आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और थैंक यू दोस्तों।